फतेहपुर के हदगांव थाना क्षेत्र में गौसपुर गांव में प्रेमी युगल का शव नहर किनारे मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए जांच शुरू कर दी है। वहीं डीएसपी कपिल देव मिश्रा ने बताया है कि मामले का जल्द ही खुलासा हो जाएगा। गौसपुर गांव के रामचरण नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने थाने पर यह सूचना दिया कि उनकी बेटी शिवरानी कल शाम को करीब 7:30 बजे घर से निकली थी शौच के लिए और वो वापस नहीं आई थी। उसकी वो तलाश कर रहे थे तो उसी बीच उनको पता चला कि एक सुदेश नाम का भी बच्चा उसी के उम्र के आसपास का वो भी गायब है। बाद में तलाश करते करते इन लोगों को इन दोनों के शव गौसपुर गाँव के पास ही छुलदहा नहर के पास में मिला है। दोनों के शव आपस में एक साथ जुड़े हुए थे और उनके मुंह से झाग भी निकल रहा था। इसी तरह की सूचना सुदेश के भाई उमेश ने भी दिया है। दोनों की संयुक्त तहरीर हदगांव थाने पर प्राप्त हुई है। दोनों के शव को कब्जे में लेकर के पंचायत